16 मार्च को यानी 10 बजे पूर्वान तक पूरे विश्व में 169,387 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और उसमें से 6,513 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी दुनिया भर में। और आज क्या स्थिति है, अभी का जो अपडेट है फिगर यानी कितना बढ़ा है, आप सोच लीजिए 16 मार्च की ये तस्वीर और आज 1 अप्रैल है, 15 दिन के अंदर क्या स्थिति हुई है। 15 दिन के बाद अभी विश्व के 178 देशों में, उस समय 148 देश में था, अब 178 देश में 8,59,032 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यानी उस समय जो था 169,387 लोग, उसकी तुलना में अब दुनिया में संक्रमित हो गए हैं लोग 8,59,032 लोग। और उस समय 16 मार्च तक जो मृत्यु हुई थी जिसकी संख्या हमने आपको बताई 6,513, अब मृत्यु हो गई है पूरे दुनिया में 42,322 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी स्थिति कितनी बदली है, तो हम सब लोगों को सचेत रहना है। और भारत में अब तक, पूरे देश में अब तक 1,397 लोग प्रभावित हुए हैं और 35 लोगों की अब तक इसमें मृत्यु हुई है। और बिहार में आज तक का जो अपडेट है 23 मामले जो है प्रतिवेदित हुए और 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो अब इसके बारे में चारों तरफ प्रयास किया जा रहा है, सब लोग सतर्क हैं। और यहाँ पर जो बात हुई कि कुछ सीमित एरिया में, नगर निकायों में या जो जिला का मुख्यालय है, अनुमंडल का मुख्यालय है, प्रखंड का मुख्यालय है, सब में हम लोगों ने 22 मार्च को निर्णय लिया था और वहाँ लॉकडाउन किया था। और फिर आप सबको मालूम है कि 24 तारीख को ऐलान हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन का, और 3 सप्ताह का यानी 14 अप्रैल तक इस काम को चलना है। अब जो पूरे जगह पर ये सारा काम किया जा रहा है, लोगों को एक जगह सुरक्षित रखना, लोगों को बीच में बताना कि क्या क्या स्थिति है, इसको जानना, तो जब उसी सिलसिले में 25 तारीख को और 26 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, आप लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी थी, हम तो निरंतर संपर्क में हैं और सारी बात की जानकारी ले रहे हैं और जो भी संभव है उसके लिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी निर्णय लिए जा रहे हैं और सब उन चीज़ों का अनुपालन किया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा। तो उस दिन जो पता चला था तो मुझे लगा था कि अब कम से कम पूरे बिहार में, उसके पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि भाई हम लोगों को अपने राज्य के जितने लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और जब बाहर के लोग आ रहे हैं तो कई जगह से गाँव से यहाँ खबर आती थी कि भाई बाहर के लोग आए उनको अलग रखा जाए, तो ये सारा सब कुछ हुआ कि जो लोग भी गांव के बाहर के आ रहे हैं उनको अलग रखा जाए। और इस काम को देखने के लिए सरकार की तरफ से जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको तो इस काम में लगाया गया और उसी से भी ये निर्णय लिया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हों, नगर निकायों के हों, सब लोगों को कहिए और सरपंच और पंच लोगों को भी कहिए। तो सब लोगों से जो बातचीत की गई और आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं तो इससे लोग प्रेरित हुए हैं, लोग समझे हैं कि अलग रहना, जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप घर के अंदर रहिए, बहुत नज़दीक नहीं एक दूसरे के साथ रहिए और इसका पालन करिए। और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अब विदेश से बहुत लोग आए तो उन सब लोगों की, इसके बारे में आपको बता दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि सब की जाँच हो रही है और हम लोग देख रहे हैं। तो एक एक बात, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं वहीं से ये कुछ मामला सामने आया, अंदर में तो इतनी सजगता रही है कि लोग सचेत रहें, लेकिन अब बाहर से कोई आ गया तो वैसी स्थिति में हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। सबको इज्जत करनी है, कोई भी है यहाँ का रहने वाला है और बाहर था वहाँ से आ गया तो उनको भी, उनका भी ख्याल करना है, लेकिन उनको अलग से जैसे स्कूल में या अन्य जगहों पर कुछ दिनों के लिए रखना है या उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम किया गया है। और आप सब लोग इन चीज़ों को जो देख रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है
कि लोगों को प्रेरित करना कि भाई जो ये लॉकडाउन की बात कही जाती है, लोग सुरक्षित रहिए, केंद्रित रहिए, अभी बाहर निकलने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बाहर निकलना है, अब किसी को अनाज लेना है, कोई खाद्यान्न के लिए खरीदना है कोई चीज़ तो लेगा, सब्जी लेना है लेगा। या दूसरी तरफ जो हम लोगों के यहाँ खेती होती है, तो अब कटनी का दौर है तो कटनी होगी, ये भी बात हो गई है कि कटनी होगी। लेकिन हम लोगों को इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए जिसके चलते आप पर असर न पड़े, और जिनको भी कोई थोड़ी बहुत तकलीफ है उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के उनकी जांच कराई जाए। तो ये काम हो रहा है, और आप जानते हैं ये सब कितना प्रारंभ किया गया है और उसकी संख्या बढ़ाई गई है, कहाँ कहाँ इससे संबंधित जो संक्रमित लोग हैं इससे कोरोना वायरस से, उसके बारे में पता लगाने के लिए अब सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि अब कई जगहों पर उसकी जांच पड़ताल चल रही है। और शुरू में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसकी थोड़ी कमी थी, अब धीरे धीरे बाहर से अब उन चीज़ों को प्राप्त किया जा रहा है। उसके लिए पूरा प्रयास हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग लिया जा रहा है, हर जगह से मिला करके हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। और अपने यहाँ भी राज्य के अंदर भी जो दूसरे जगह के लोग थे, अब मान लीजिए शहरों में वो काम करने के लिए आए हुए हैं, रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कि अब काम बंद है तो ऐसी स्थिति में उनको कोई असुविधा न हो उनके रहने के लिए, और तो हमने आपदा प्रबंधन विभाग को ये जिम्मेवारी दी। और आप जानते हैं जब यहाँ आपदा होती है, 2007 से ही पता कर लीजिए, ध्यान आप लोगों से बहुत लोगों को होगा, और जो बहुत जिनकी उम्र कम है वो पता कर लें अपने घर से और अन्य गांव के लोगों से कि किन किन स्थितियों में 2007 से हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का काम शुरू किया, किस तरह से कोसी त्रासदी में काम शुरू किया, 2008 में आगे किया। तो उसके लिए जो आपदा प्रबंधन का जो हम लोगों ने पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया, एक एक चीज़ के लिए योजना बना ली, तो इस बार भी इसको हम आपदा मानते हुए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट और उससे जुड़े हुए जितने अस्पताल हैं, चिकित्सक हैं या अन्य चिकित्सक हैं उनकी सहायता, या नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, उनकी सेवा। लेकिन साथ साथ जो लोग बाहर के हैं, अगर बिहार के बाहर के हैं, बिहार में हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो, और हमारे बिहार के ही लोग हैं अन्य स्थान पर, जैसे पटना राजधानी है यहाँ है, तो इन सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया और वो आपदा सहायता केंद्र के रूप में वहाँ पर लोगों के रहने का प्रबंध, लोगों के भोजन का प्रबंध, ये सब काम जो आपदा पीड़ित इलाकों में किया जाता रहा उसी तरह से किया जा रहा। अब उसी तरह से अब जो भी हमारा जितना भी बाउंड्री का, बॉर्डर का इलाका है दूसरे दूसरे राज्यों के साथ, तो उन सभी जगहों पर भी इसका इंतजाम किया गया। अब बीच के अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी लोग बाहर से आ गए, अब उनको गाँव तक पहुँचा दिया गया, अब इसके बाद भी वहाँ रखा गया। अब बाहर से आने वाले की संख्या नहीं है, न के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आए, कहीं से भी आएगा, तो उसको बाउंड्री पर अनेक जिलों में इसका प्रबंध किया गया, लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा, लोगों के भोजन का प्रबंध किया गया। अब जो हमारे बाहर से लोग आ गए अपने राज्य के लोग, उन सब लोगों को भी गाँव तक पहुँचाने का, या जिस शहर के रहने वाले वहाँ तक पहुँचाने का इंतजाम किया गया। और उसके बाद ये कहा गया सब लोगों से कि भाई इनके लिए अलग से इंतजाम रखा जाए। अब उसकी चर्चा आपके सामने हमारे मुख्य सचिव ने कर दी है, तो सब लोगों को ध्यान देना है भाई, उनका भी ख्याल करना है। और चिंता मत करिएगा, इन सब लोगों के लिए जो भी जरूरत है संसाधन की, वो राज्य सरकार देगी, और आपदा प्रबंधन विभाग को ही हम लोगों ने इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया है कि इस तरह से किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं हो, तो ये भी काम किया जा रहा है। और अब आप जान लीजिए, एक बात हम और आपको बता दें कि बिहार के लोग जो दूसरे प्रांतों में, अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि 3,000 से ज्यादा लोगों ने फोन किया पिछले 4-5 दिनों के अंदर, एक एक व्यक्ति का जो यहां हमारे कार्यालय में फोन किया, या आपदा प्रबंधन विभाग का जो कार्यालय है जिसको नोटिफाई किया गया है, या दिल्ली में जो हम लोगों का रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है वहां पर, इस सब मिला करके 3,000 से भी ज्यादा लोगों ने फोन करके अब
अलग अलग राज्यों में अपनी समस्याएं बताई और यहां पर एक बड़ी टीम बना करके एक एक व्यक्ति से बात किया गया, पूरे देश के विभिन्न कोनों में क्या तकलीफ है आपको, और उनके तकलीफ को दूर करने के लिए वहां के राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है और हम लोगों ने भी तय कर दिया कि हमारे लोग जो दूसरी जगह कहीं ना कहीं कोई काम में वहां रहते हैं या गए हुए थे वहां फंस गए हैं, अब उनको दिक्कत हो रही है, तो राज्य सरकार की तरफ से भी जान लीजिए हम लोग उनको भी, यानी जो कुछ भी करना है वहां की सरकार को तो हम लोग आग्रह कर ही रहे हैं और हर जगह राज्य सरकारों के द्वारा दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनकी सहायता की कोशिश की जा रही है, हम लोग भी कर रहे हैं दूसरे राज्यों के जो लोग हैं उनके लिए, तो उसके बारे में जानकारी तो दे ही दी जाती है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय कर लिया कि हमारे जितने लोग हैं, ये करीब करीब 3,000 फोन आया है और उसमें अभी तक लगभग 1,60,000 जो हमारे बिहार के लोग हैं और बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी मिली, तो उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय किया। जैसे अपने राज्य में हम लोगों ने कई निर्णय तय किया कि भाई, और केंद्र सरकार ने भी तय किया कि लोगों को अभी मुफ्त राशन दिया जाएगा, और जो हम लोगों ने तय किया कि जितने लोग राशन कार्ड धारी हैं, यानी राशन कार्ड धारी कितने हैं, 1,68,00,000 गांव और शहरों को मिला करके, और गांव में 85% लोग राशन कार्ड होल्डर हैं और शहरों में 72%, 72%। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा, सोचा कि भाई इन सब लोगों को अन्य प्रकार से जो आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों के खाते में हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उनके मदद के लिए, क्योंकि 14 तारीख तक अभी है कि लॉकडाउन, तो वैसी स्थिति में उन लोगों को राज्य सरकार की तरफ से प्रति लोगों के खाते में 1,000 रुपया हम लोग उनको भेजने जा रहे हैं, उसका काम हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसके लिए जो भी तैयारी होती है। साथियों, अभी जो हम लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं ये वन वे है, अभी आप सिर्फ हमारी बात सुन पा रहे हैं, आपकी बात हम नहीं सुन पाएंगे, और हम लोग वो भी कुछ तैयारी ऐसा करें करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की भी बात हमारे तक आए, हमारे सिस्टम तक आए। जो आप सब लोगों को मालूम है कि आज पूरा देश और दुनिया एक संक्रमण से गुजर रहा है, कोरोना वायरस से एक महामारी विभिन्न देशों से होते हुए राज्य के अंदर भी विभिन्न राज्यों में फैल रहा है, और ये बात अब झारखंड तक भी पहुंच रही है, और मुझे लगता है कि कई सूचनाओं के माध्यम से आप सब लोगों को मालूम भी पड़ चुका है कि आज देश में क्या हालात है। इस महामारी में हमें कई जानकारियां अलग अलग माध्यम से मिल रही हैं, आपको भी मिल रही हैं, और आज इस महामारी से बचने के लिए सरकार, राज्यों की सरकार, देश की सरकार कई तरीके अपना रही है, और इस संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं। झारखंड एक अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर, हमारे लोग विभिन्न राज्यों में रोजगार पाने के लिए जाते हैं, और आज स्थिति कुछ ऐसे बनी है कि सभी लोग उन राज्यों को छोड़ छोड़कर अपने गांव की ओर आ रहे हैं। कुछ लोग गांव पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, कई अभी समस्याओं का दौर चल रहा है, और मुझे लगता है कि हम सभी झारखंड के गरीब मजदूर किसानों का अभी जो जीविका और जिंदगी का सवाल है, अभी इस समस्या में, इस महामारी में कुल मिला के कहा जाए कि सभी लोगों को काफी तकलीफ
हो रही है, काफी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में। और आज इस संकट की घड़ी में आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। विशेष तौर पर आप सब लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और आपको मालूम है कि आज पूरे देश में और हमारे राज्य में लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है। लॉकडाउन का मतलब यह होता है कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए, खासकर बाहर के लोगों से तो बिल्कुल ही नहीं। यहां तक कि आपके रिश्तेदार भी अगर किसी राज्य से आ रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा दूरी बना के रखें। आज ये कोरोना वायरस हम इंसानों के अंदर में समाहित होकर विभिन्न राज्यों में फैल रहा है, विभिन्न गांव में फैल रहा है, विभिन्न कस्बों में फैल रहा है, बस्तियों में फैल रहा है। हम लोगों से विकसित देश आज इस संक्रमण से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब चूंकि हमारे पास समय भी है, हमारे पास ये संक्रमण, ये महामारी थोड़ा समय से पहुँच रही है, तो हम इससे पहले कुछ उपाय कर पाए तो शायद हम इस महामारी से बहुत कुशलपूर्वक बाहर निकल सकते हैं। और इसमें जन सहयोगी और आप सभी लोगों की सहभागिता के बगैर ये जंग नहीं जीता जा सकता है। आज निश्चित रूप से आप लोग काफी परेशान हैं, आपके कई परिजन दूसरे जगहों पर फंसे पड़े हैं। हमारे पास, हमने यहाँ जो कंट्रोल रूम बनाया है राज्य के अंदर के लिए भी और राज्य के बाहर जो लोग फंसे हैं उनके लिए भी, और लगातार हजारों हजार फोन आ रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि आज वो तकलीफ जो वो लोग झेल रहे हैं उस विषय पर, इसीलिए आप लोगों से ये संवाद करना चाह रहा था कि आप लोग सुरक्षित रहें। कैसे सुरक्षित रहें, इसका मात्र यही उपाय है, आप घर पे रहें। आज इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि सारे रोजगार धंधे भी बंद है। आज मनरेगा का योजना नहीं चल रहा है, आज सरकार की कोई भी योजनाएं नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कल कारखाने सारे बंद हो गए हैं। वो इसलिए कि समूह में लोग ना रहें, सब लोग अलग अलग दूरी बना करके रहें। और यहां तक कि अभी जो इस आपात स्थिति पर जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, चाहे वो राशन की हो, सब्जी की हो, गैस सिलेंडर की हो, दवाइयों की हो, इसकी उपलब्धता के लिए राशन दुकानें खुली हुई हैं, दवा दुकानें खुली हुई हैं, सब्जियों के लिए बाजार लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी आपको एक दूरी बना करके ही इस संक्रमण को रोक पाएंगे। आप सब्जी खरीदें, राशन खरीदें, दवाई खरीदें, गैस खरीदें, कुछ भी खरीदें, आप लोग सभी लोग एक एक दूरी बना करके, एक निर्धारित दूरी बना करके ही उन सब चीजों को खरीदारी करें। आज विशेषकर हमारे यहाँ जो वार्ड पार्षद जो मुझे देख रहे हैं, मुखिया देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता मुझे देख रहे हैं, हम इन बातों को अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि हम लोग सामाजिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ें। और इसके लिए हम गांव में भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी नज़रअंदाज ना करें। जो लोग आ गए हैं वो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क करें, उनको प्रेरित करें, उनसे उनकी जांच कराएं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि झारखंड में हम लोग इतने मजबूत इरादे वाले लोग हैं कि हम लोगों ने जो जो ठाना है उसको किया है। और आज इस
महामारी से हम निश्चित रूप से बचेंगे, ऐसी उम्मीद है हमारी। हम लोगों ने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की भी स्थापना की हुई है सभी जिलों में, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है सभी जगह। इनका फोन नंबर को भी हम लोगों ने पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाया है कि जो समस्या आपको दिख रही हो और आपसे समाधान ना हो रहा हो उसको आप सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आज इस जंग को जीतने के लिए जीना सबसे बड़ा जरूरी है और जीने के लिए खाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए खाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी प्रबंध हम लोगों ने कर रखी है। राज्य सरकार हर स्तर पर खाने को लेकर किसी भी व्यक्ति को कमी नहीं होने देगी। सभी राज्यों को पैसे भी आवंटित कर दिए गए हैं, सरकार ने सूखे राशन की भी व्यवस्था की है और सीधे तौर पर खाद्य सामग्री जैसे आप चूड़ा मुड़ी गुड़ इत्यादि जो उपयोग हम लोग करते हैं इसकी भी व्यवस्था सरकार ने तैयारी कर रखी है। और मैं वार्ड पार्षद मुखियाओं से आग्रह करूंगा कि आपके गांव देहात में जो लोग गरीब हैं जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग राशन कार्ड के माध्यम से 2 महीने का राशन सरकार देना प्रारंभ कर चुकी है, कई जगह बढ़ भी रहा है बड़ी तेजी से। पेंशन जिनको नहीं मिल रहा था सभी को पेंशन मिला दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो लोग गांव में जिनका राशन कार्ड नहीं है और उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनकी दयनीय स्थिति है, उनको भी खाना उपलब्ध कराने के लिए, उनको भी राशन उपलब्ध कराने के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप उनकी सूची जिला उपायुक्त को उपलब्ध कराएं और वहां पर अविलंब हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जो जो बहुत तेजी से उन गरीबों तक अनाज पहुंचाएगा। और हम लोगों ने अभी विशेष तौर पर इस जो लोग छूट जा रहे हैं या छूट जाएंगे उन सब तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से हमने एक सीएम कैंटीन का एक योजना प्रारंभ किया है, चालू हमारा हो जाएगा अभी, जिसके माध्यम से सभी गरीबों तक चूड़ा गुड़ चना इत्यादि पहुंचाए जाएंगे, सूखे राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि वार्ड परिषद वार्ड सदस्य और मुखिया आप ग्रामीण स्तर से जुड़े हैं, आपको हाथ में लोगों की गिनती है, कौन लोग कितने सक्षम हैं, कितने गरीब हैं, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सभी लोगों का आप लोगों से आग्रह होगा। कोई भी संक्रमित व्यक्ति हो उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई तकलीफ है, अविलंब हमारे सीएचसी वगैरह में जाकर के आप अपना जो सभी प्रखंडों में हैं वहाँ पर जाकर के आप लोग अपना डॉक्टरों से आप लोग संपर्क स्थापित करें और बाकी चीज़ें हम लोग समय समय पर आप लोग के बीच में अनेकों माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराया जाएगा। आपको मालूम है पूरे राज्य के अंदर दाल भात योजना पहले से चल रही है, लगभग 600 केंद्र ये चल रही हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने थानों के अंदर भी सभी थानों में भोजन उपलब्ध कराने का योजना प्रारंभ किया है। इस आपात की स्थिति पर इसलिए आप सब लोग से ये आग्रह है, बस इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस महामारी से हम लोगों ने कई महामारियां देखी हैं, एक ये भी समस्या ये महामारी हमारे सर पर मंडरा रहा है। अब हमें सब कोई मिलजुल कर आज इस महामारी को
मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें एकजुट होते हुए अपनी बुद्धिमता का, अपना जागरूकता का परिचय देना है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ इस राज्य के अंदर हमने बहुत जगहों पर आप लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर्स खोले हुए हैं, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सभी जगह पंचायत भवनों में हम लोगों ने जो जो लोग को थोड़ा ऐसा लगता है कि बाहर से आए हैं, संक्रमित हैं, या तो उनको पंचायत भवन में रखा जा रहा है, वो रह सकते हैं, वहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। कई जगह व्यवस्था उपलब्ध भी है। इस वजह से आप लोगों से पुनः आग्रह है कि किसी भी व्यक्ति में अगर इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सूखा खांसी है, जुखाम है, बुखार है और कई दिनों से है, वो तुरंत अस्पताल जाएं, वहाँ पर समुचित व्यवस्था है और इसके लिए सरकार उसको पूरी तरीके से उसकी देखभाल में लगेगी और उसको सरकार अपने संरक्षण में उसको सुरक्षित और इलाज करके ठीक करने का काम करेगी।